नमस्कार सरकारी महाविद्यालय कोरापुट इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदय कलमरु सर्वदा छोरी आसीथिबा आलेख्य कोरापुटर इतिहासकु नै मु मिस प्रगति आपणमानंकु स्वागत करुछि। प्रबंधर शीर्षक कोरापुटर ऐतिह्य समय आपर्तन और विवर्तन समयर प्रगाढ़ स्रोतरे अनेक किछि हुए तो भांगी हो जाए मात्र स्मृतिटे हो ता इतिहासर पृष्ठा भितरे चिर जाजल्यमान होइथाय। सेमिति एक आदिवासी अधिसित इलाका आमर एही कोरापुट अति आपणार हेले भी काहिंके के जानी अन्य मानक आखिरे एहा एक उपेक्षित जिला। एठी पूरी बड़दंड भली पांच महला होटेल आगरे भिड़ जमिना अबा भक्त माने सिंह द्वार सामनारे दाढ़ी बांधिबार देखा जाए ना। तेबे भी एठी प्रत्येक शयनरे शून्यवाणी हुए सही वैदिक मंत्र ध्वनिर हुमाग्निर ध्रुम कुंडली यार आकाश को आच्छादित करे। यार संस्कृति आदिवासी संस्कृति जहाँ आदिम सभ्यतार वार्ता बह थिला। एठी विश्व बसुर देवता पूजा पाई पर्वत श्रेणी हेले यार सिंहासन अरण्यानी हेले यार आलत चामर केदार कुसुमर सभा यार वंदापना करती। एठारे आदिवासी माने उग्र आधुनिकता ठारु अनेक दूर रे वास्तव जीवनर अनुभूति को नहीं एमानंकर जीवन चलचंचल होई उठे। अतीतर स्मृति रेखा को एमाने सम्मानर सहित चिता करी पिंधंती। एठाकार आदिवासी माने निज भाषा रे निज कथा को लेखंती गीत भी गांती निज स्वप्न को नहीं एमाने व्यस्त एमाने निज सभ्यता को नहीं व्यस्त अथच निर्लिप्त। एमाने निजे ही निजर पुरोहित निजे ही निजर पुरभा निजे ही निजर स्रष्टा ओ सृष्टि अथच बेले बेले लागे पहाड़ घेरा ए अंचल एक किंवदंती नुहे तो। तेबे एही जिल्लार इतिहास को रमंथन कले जणा जाय जे एहार इतिहास अति पुरातन थिला। सम्राट अशोकंकर ख्रीष्टपूर्व 261 रो कलिंग युद्ध पूर्वरु एठी जो सभ्यता गढ़ी उठिथिला सही सभ्यतार अग्रदूत थिले एठाकार आटबिक माने। सेतेबेले कोरापुट अटबी अंचलर एक अंश विशेष थिला। अशोकंक शिलालेखरु जणा जाय जे कलिंग ओ कुरुक्षेत्र युद्धरे कलिंगर जो शिविर सैन्य माने असीम वीरत्व प्रदर्शन करिथिले सेमाने थिले आटबिक अंचलर आदिवासी। वैदिक साहित्यर विभिन्न उत्स यथा ऐतिह्य ब्राह्मण बाजुश्रेणीय संहिता वायु पुराण भागवत पुराण विष्णु पुराण तमसा नदी तथा रामायणर उपादान विभिन्न धर्मपीठर ध्वंसावशेष जैन धर्मर विभिन्न पीठ गुप्तेश्वरर रामगिरी माल्यवंत तथा नंदपुर राजपरिवारर इतिहास श्री चैतन्यंकर भ्रमण वृत्तांत प्रताप रुद्रदेवंक सेनापति कल्याण सिंह और भैरव सिंह राज्य विजय विवरणी विभिन्न बौद्ध शैव और शक्तिपीठ एवं जयपुर राजवंश इतिहास इत्यादि सूचना मिले जे आदिवासी संस्कृतिर पीठ कोरापुट उभय आर्य अनार्य और द्राविड़ मानकर चराभूमि थिला। एही कोरापुटर पुरातन नाम थिला खोरा सर्दारर कोरका पेंठ गाँ। इंग्रेज शासन अमल 1878 ख्रीष्टाब्दरे कोरापुट विदेशी शासक और मिशनरी मानू आकर्षण करी आनीथिला तार अनुकूल परिवेश जोगु। सेतेबेले इंग्रेज माने कोरापुट प्राकृतिक सभा और परिवेश रे मुग्ध होई एहाको सदर महकुमा भावरे ग्रहण करिथिले। एहार इतिहास प्राय 2000 वर्ष बोली मने करा जाए। मत्स्य और शैलत भव राजवंशर इतिहास सूर्यवंशी और गुप्तवंशी इतिहास विक्रमादित्यंकर 32 सिंहासन
गणेश और कनक दुर्गा मंदिर प्रभृति कोरापुटर बलिष्ठ इतिहास उपरे यथेष्ट आलोकपात करिथाए। इतिहास जणा जाय जे एही अरण्य घेरा सुविशाल अंचल अरण्यक परजा बा बंडा गदबा सबर बा सौरा मानक द्वारा अधिकृत होइथिला। पुनश्च कोरापुटर प्राचीन इतिहास को रमंथन कले जणा जाय जे एहा विभिन्न समय रे सातवाहन इक्ष्वाकु भकटक कुतुबशाही मोगल नल शील मत्स्य प्रभृति राजवंशर अंशविशेष थिला सत किंतु तार मौलिकता को अक्षुण्ण रखिथिला। इतिहास केउ एक निशब्द प्रहर रे एही अंचल खारबेल मुकुंददेव तथा गजपति राजमानंकर करत राज्य थिला। 1516 ख्रीष्टाब्दरे अविभक्त कोरापुटर नंदपुर राजा प्रतापरुद्रदेव विजयनगरर कृष्णदेव रायंक विरुद्धरे सामरिक साहाय्य प्रदान करिथिले। गुप्त वंशर सम्राट समुद्रगुप्त एही अंचलकु निज साम्राज्य भुक्त करिथिले। सेतेबेळे एही अंचलर नाम थिला व्याघ्र राज बा महाकांतार। कोरापुटर कला और संस्कृति उग्र आधुनिक कला और संस्कृति ठारु कौनसी गुणरे कम नुहे। एहार मंदिरर गात्ररे प्रस्तरर देहरे छोटी मुरुज और शिल्पा बयन शिल्प फटोचित्रे नृत्यर अपूर्व भंगीरे संगीतर रागिणीरे आदिवासी संस्कृतिर अपूर्व कला नैपुण्य फुटि उठे। लोककला लोकनृत्य और लोक संगीत और सर्वोपरि लोक संस्कृति ही कोरापुट संस्कृति को महिमान्वित ऋषिमंत और ऋद्धिमंत करिछि। ए भूमिर कला संगीत और नृत्यर उद्भव संपर्क जदि ऐतिहास नीरव तथापि तार कलात्मक परिप्रकाश तार निजस्व शैली अद्यावधि प्राचीन परंपरार द्योतक बोली स्वीकार्य। प्रकृति ही एठाकार आदिवासी मानकर हस कांदर जीवन से ही प्रकृति से माने परिपृष्ट सबुज बनानीर शोभा एवं वन पक्षीर काकली गिरिझरणार अपूर्व गीत से मानंकु आकृष्ट करे। कोरापुटर एक आदिवासी संप्रदाय हेले गदबा संप्रदाय। एमाने मनोरंजन निमते नृत्य गीत माध्यम रे जीवन को उपभोग करंती और पर्वपर्वाणी मेला महोत्सव रे एहार आयोजन करिथांती। नृत्य बेले एमाने समूह वाद्य परिवेषण करंती सेगुड़िक हेला ढल ढमक इत्यादि। एहि नृत्य बेले वृत्ताकार भावे रही नृत्यकारी माने सुदृढ़ भाव रे पदचालना करंती। एथिरे तांकर स्मृति ज्ञान और सौंदर्य बोधर चरम निदर्शन प्रतिफलित होइथाय। बेले बेले सेमानंक पदपेक्षण पश्चात और पूर्व भाग को मध्य होइथाय। कोरापुट रे बास करथिबा कैवत्य नामक मुष्टिमेय आदिम आदिवासी ठारु शुणा को मिले जे सेमाने पूर्व उपकूल आसी एठारे बसति स्थापन करिथिले। सेमाने चैत्र मासरे बसाणी पूजा तथा देवी आराधना करिथाए। एक छोट घरे चित्रित घोड़ा मुंड को सिंदूर दे पूजार्चना करती और से ही पर्वर स्मारकी स्वरूप ग्राम ग्राम बुले बाउंसर घोड़ा को नचे थांती और नृत्य सह संगीत गान करती। स्त्री बेशधारी पुरुष चढ़ेयाणी और पुरुष चढ़ेया रूपे अवतीर्ण हो गीत माध्यम देवादेवी वंदना कर सामाजिक प्रथा चाली चलन इत्यादि परिवेषण करते। महरी और ढाल एही नाचर प्रधान वाद्य। एही नाच गीत जेतिके संगीत मुखर सेतिके शिक्षणीय। एही पारंपरिक लोकनृत्य ओडिशार पुरपल्ली रे जेतिके प्रसिद्धि लाभ करिछि सहर सभ्यता को सेतिके छुई पारि नाही। तथापि एही लोकनृत्य कला चातुरी और शिल्प माधुरी अद्यावधि जीवन प्रवाह को मुखरित आशा और निराशार बेलाभूमि उपरे ठेका हो आधुनिक समाज आड़क हाथ बढ़ेबार प्रयास करुवा कोरापुटर अनेक आदिम आदिवासी हेले
ବରଗୁଡ଼ିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ପଶୁପାଳନ, କୃଷିବୃତ୍ତି ଓ ମଜଦୁର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା। ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୋର କେତୋଟି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ବିରି ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ଅମଳ କରି ସେମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ ପରବ, ଚୈତ ପରବ, ଫଗୁନ ପରବ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଢେମ୍ସା, ଫାଲଗୁନ, ଦିଶାରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ନାଚ 3-4 ଦିନ ଧରି ହୁଏ ଓ ଏହା ସମୂହ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ନାଚ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୁଏ। ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ନୃତ୍ୟକାରୀମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ସେହି ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ସାଇଲୋଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପୈଷ ମାସରେ ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଏହି ନୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ବାଇଦ, ମହୁରୀ, ଢୋଲକ ଇତ୍ୟାଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କନ୍ୟା ଓ ବର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୁରୋହିତକୁ ଦିଶାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଖଡ଼କା ବାଜା, ଘାଗରା ବାଜା ବାଦଣ କରିଥାନ୍ତି। ଓଇଲି ନାମକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସହ କନ୍ୟାକୁ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା କୋରାପୁଟର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେମାନେ କିନ୍ଦ୍ରି ସାଇଲୋଡ଼ି, ଗୋଦବା, ମାରବାଇ ଇତ୍ୟାଦି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ଚିତ୍ରକୁ ଅବତାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ନିଦାନୀ ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦଶହରା ବେଳେ ବାଲି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ଉତ୍ସବ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସବ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନାୟକ, ଚାଲାଣ, ବାରିକ ପଦବୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଗାଁର ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ କରନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଘେରା ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁଭଳି ଆନନ୍ଦମୁଖର ହୋଇଉଠେ ତାହା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଜୀବନଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମରି ସମାଜର ଚାକଚକ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୈତ୍ରୀର ହାତ ବଢ଼େଇବା, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ତ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।